बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आचार संहिता में हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने न्यूनतम आय गारंटी देने का दावा किया है। आपको बता दें, आचार संहिता का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। बिठौरिया में मीडिया कर्मी को गोली मार दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखा जाए तो आचार संहिता का हल्द्वानी में खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, और ये बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां हथियारों का जमकर प्रदर्शन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां बिठौरिया में मीडिया कर्मी को सरेआम गोली मार दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मीडिया कर्मी के ये पैर में गोली लगी है। हल्द्वानी में बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं। मीडिया कर्मी का नाम मनोज बोरा बताया जा रहा है। हालांकि बदमाशों को देखा जाए तो किसी तरह का खौफ नहीं है। वहीं 3 दिन पहले भी तानी थी पत्रकार पर पिस्टल। मुखानी क्षेत्र की ये घटना है, जहां पे बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं और ये गोलीबारी की गई है पत्रकार पर। देखा जाए तो पुलिस का इन्हें किसी भी तरह का खौफ नहीं है। बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां मीडिया कर्मी को गोली मारी गई है। सरासर आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मी को गोली मारने की बात सामने आई है। आपको बता दें, हल्द्वानी में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। मीडिया कर्मी के पैर में गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से। तो वही 3 दिन पहले भी पत्रकार पर पिस्टल तानने की खबर सामने आई थी। बदमाशों के बेखौफ हौसले देखने को मिल रहे हैं, और यही खबर हल्द्वानी से आई है, जहां आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन होता नजर आया है। हथियारों का इस दौरान प्रदर्शन किया गया, तो वही मीडिया कर्मी को गोली मारी गई है। बिठौरिया की ये घटना है। हल्द्वानी के बिठौरिया में मीडिया कर्मी को गोली मारी गई। मीडिया कर्मी के पैर में गोली लगी है, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, 3 दिन पहले भी पत्रकार पर पिस्टल तानी गई थी बदमाशों के द्वारा, और आज ये गोलीबारी की खबर सामने आई है। हल्द्वानी में देखा जाए तो आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। मीडिया कर्मी को गोली मारी गई, तो वहीं आपको यह भी बता दें, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए।